आज पूरा देश भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ पीछे रहने वाली है। भोजपुरी सितारों ने भी इस मौके पर अपने अपने स्टाइल में अपने फैंस को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा ने अपने फैंस को विश करते हुए लिखा है, आज हमारे तिरंगे का वंदन, अभिनंदन एवं नमन का दिन है। इस पावन अवसर पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। निरहुआ ने ट्विटर पर लिखा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर देश और लोकतंत्र की प्रगति में योगदान दें। खेसारी लाल यादव ने भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, उन वीर सपूतों की कुर्बानी और बलिदान को सलाम, जिनकी वजह से हमें अपना अधिकार मिला। आइए साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने और भारतीय गणतंत्र दिवस की रक्षा के अपनी जिम्मेदारी निभाए। पवन सिंह ने लिखा, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो आम्रपाली और काजल राघवानी ने एक एक तस्वीर के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रितेश पांडे ने तो गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कविता के साथ अपने फैंस को शुभकामनाएं दी और लिखा, आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। वहीं भोजपुरी सिनेमा जगत के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन, जो फिलहाल गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, समस्त भारत एवं प्रदेशवासियों को देश के गौरव और अभिमान के राष्ट्रीय पर्व 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पर्व पर हम सभी मिलकर अपने राष्ट्र की सेवा, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प करें। तो कुछ इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री ने भारत के इस गौरवशाली दिन पर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। ये थी बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।